नमस्कार, मैं कपीश बल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर। जिलों की नगरी उदयपुर को अपराध मुक्त बनाने के तहत उदयपुर जिला पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले थाना SHO के साथ ही अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को रोज कोई नवीन टास्क देते हैं। वहीं मिले दिशा निर्देशों की पालना कर अलग अलग पदों पर पदोन्नत प्रशासनिक अधिकारी कार्य भी करते हैं। उसी के तहत शहर में लगातार हो रहे अवैध हथियारों की धरपकड़ कर अवैध हथियारों की सप्लाई करने वालों तक पहुँच उन्हें उनके सही ठिकानों पर पहुंचाने के मिले दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई करते हुए लगभग एक माह पूर्व उदयपुर DST की टीम और धानमंडी थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए सुखेर और नया खेड़ा में से 5 आरोपियों को गिरफ्त में लेते हुए उनके पास से 2 अवैध पिस्टल और 5 कारतूस और 3 चाकू बरामद किए। संबंधित कार्रवाई को अंजाम बड़गांव थाना के गिरफ्त में आए रोहितास उर्फ रोहित श्रीमाली को 2 पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया था और रोहित श्रीमाली से जो कुछ सामने आया था उसके अनुरूप कार्रवाई की अग्रिम अनुसंधान धानमंडी थानाधिकारी सुबोध जांगिड़ को सौंपी गई। रोहितास उर्फ रोहित श्रीमाली से मिली सूचना पर कार्रवाई करते हुए DST टीम और धानमंडी थानाधिकारी ने कार्रवाई करते हुए सुखेर हाईवे से यशपाल सिंह राठौर और उसके अन्य 2 साथियों के साथ गिरफ्तार किया, जहां यशपाल के पास से 1 अवैध पिस्टल और 3 कारतूस और उसके 2 साथी मनोज सालवी और मनोज प्रजापत के पास से 2 चाकू बरामद किए। लेकिन अभी भी रोहित सिंह राठौर पुलिस की गिरफ्त से दूर था, लेकिन तफ्तीश के दौरान रोहित सिंह राठौर अपने एक अन्य साथी के साथ नया खेड़ा पर मिला, जहां रोहित सिंह राठौर के पास से 1 अवैध पिस्टल और साथी आकाश बंजारा के पास से 1 चाकू जब्त किया गया। एक माह पूर्व हुई कार्रवाई के दौरान कई अपराधी को गिरफ्त में ले उनके पास से कई अवैध हथियारों को जब्त कर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह बनता है कि शहर को अपराध के मार्ग की ओर उन्मुख करने वाले यह अपराधी देश की लच्चर न्यायिक व्यवस्था को लांघते हुए सभी के सभी एक बार फिर से बाहर आ गए, और आने के साथ ही एक वह नामी अपराधी भी बाहर आ गया जिसके किए जघन्य अपराध के चलते आज पूरा राजस्थान आक्रोश की आग में हवाले नजर आ रहा है। आपको बता दें कि राजस्थान के जयपुर में बीते कल हुए राष्ट्रीय कर्णी सेना के प्रदेशाध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के हत्याकांड को अंजाम देने के नाम में जो रोहित सिंह राठौड़ का नाम सामने आ रहा है, वह एक माह पूर्व हेमंत उर्फ सर्किट की हत्या करने के लिए उदयपुर आया और उदयपुर पुलिस की गिरफ्त में भी आ गया। लेकिन उदयपुर जेल से रिहा होने के साथ ही रोहित सिंह राठौड़ पुनः जयपुर पहुंच गया और मंगलवार को एक अन्य साथी के साथ मिल उसने राष्ट्रीय कर्णी सेना के प्रदेशाध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी पर अंधाधुंध गोलियां चला राज्य को आक्रोश की आग में झोंक दिया।